हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। गाइस, सो गाइस, हमारी इस सीरीज़ को 154 डेज़ हो चुके हैं। सो हमने 154 डेज़ कंप्लीट कर लिए हैं और हमें टाउन हॉल 11 पे 34 डेज़ हो चुके हैं। हमने 120 डे पे हमारे टाउन हॉल 11 पे अपग्रेड करा था। तो चलिए हमारे बेस का अपडेट लेते हैं कि आखिर हमने 150 दिन में कितना हमारा बेस अपग्रेड कर लिया है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले तो हमारे बेस के अपग्रेड की बात करें। पहले हम हमारे सबग्रेड को लेआउट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, वहाँ पर ऑब्स्टेकल, इसलिए वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है गाइस। सो गाइस, यदि पहले हम हमारे बेस के अपग्रेड की बात करें, सो हमारा मेजर डिफेंस फुल अपग्रेड हो चुका है। हमारे जितने भी बड़े डिफेंसेस हैं वो सब अपग्रेड हो चुके हैं। अभी हमें सिर्फ हमारे आर्चर टावर, कैनन्स और हमारी मोर्टार्स अपग्रेड करना है। बस एक विजर्ड टावर बचा है और एक टेस्ला बचा है अपग्रेड करने के लिए, इनको भी हम कर लेंगे। हमारा गाइस हीरोज भी फुल अपग्रेड पे चल रहे हैं। हमारा वार्डन लेवल 14 पे हो रहा है, सिर्फ इसकी 6 लेवल बची है। बाकी हमारे क्वीन और किंग ये दोनों बचे रहेंगे, तो हम इनको ट्राई करेंगे इस बार, फुल ट्राई करेंगे कि इस बार हम इनको मैक्स लेके जाएँ। एटलीस्ट 45 के अबव लेके ही जाएंगे हम, वरना हम इस बार भले हमारे बिल्डर फ्री रहेंगे पर हम इनको बिना अपग्रेड करें हम नेक्स्ट टाउन हॉल पे नहीं जाएंगे। क्योंकि गाइज नेक्स्ट टाउन हॉल हमारा 12 रहेगा, जिसमें हमें टाउन हॉल को खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा और 5 लेवल वो खुद टाउन हॉल अपग्रेड होगा। और साथ साथ हमें नए बिल्डिंग्स वगैरह और नए ट्रूप्स वगैरह भी रहेंगे, जिनमें हमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो गाइज, यदि टाइम की बात करें तो अभी हमें ये जो हमारा टाउन हॉल 11 है, ये हमने 34 डेज हो चुके हैं हमें टाउन हॉल 11 पे, और मेरे ख्याल से आई थिंक इसमें 20 से 25 दिन और लगेंगे। तो 2 महीने के अंदर हम हमारे टाउन हॉल 11 को मैक्स कर लेंगे। गाइस, जो लोग बोलते हैं कि अपन गेम में बिना पैसा इन्वेस्ट करे अपग्रेड नहीं कर सकते, गाइस उनके लिए ये सीरीज़ है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नहीं, आप यदि कंटिन्यू गेम को खेल रहे हैं, आप सारे रूल्स वगैरह के साथ खेल रहे हैं, आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, तो आप ईजिली अपना जो COC का बेस है उसे मैक्स कर सकते हैं, ठीक है गाइस। गोल्ड पास, मैं समझता हूँ गोल्ड पास आपको सिर्फ हेल्प करता है जल्दी अपग्रेड करने में, क्योंकि बेस के अपग्रेड में गोल्ड पास का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है। वहाँ सिर्फ आपको एक बिल्डिंग पोशन, एक हीरो, 2 हीरो पोशन मिल जाएंगे बस। वहाँ पर आपको ये 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको बिल्डिंग टाइम में और रिसोर्स में, कॉस्ट में, बिल्डिंग कॉस्ट में इतना ही इफेक्ट रहेगा। और आपको जो लूट है आपकी, मतलब बैंक है, जो सीजन बैंक है, वो ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा और कोई ज़्यादा मदद नहीं मिलती है आपको वहाँ से, ठीक है। इस तो अपन ट्राई फुल करेंगे कि इसे इसी साल हम टाउन हॉल 16 को मैक्स कर ले। नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, हम हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, ये सीरीज़ को हम फुल कंप्लीट करेंगे। गाइस, इवेंट की बात करें तो गेम में कोई अभी इवेंट, कुछ भी इवेंट नहीं चल रहा है। सिर्फ हमारा नया सीज़न चालू हो चुका है, वाइल्ड वेस्ट सीनरी, जो वाइल्ड वेस्ट सीज़न है उसका नाम है। बाकी और कोई हमारा कुछ नहीं है। हाँ, हमको गॉब्लिन बिल्डर मिला है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। पूरे सीज़न रहेगा गॉब्लिन बिल्डर इस बार, सो आप यदि उसको एज अ एक्स्ट्रा बिल्डर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कभी कभी काफ़ी काम में आ जाता है वो, ठीक है। एक्स्ट्रा बिल्डर की बात करें तो गाइस, यदि हम बिल्डर बेस में चले हमारे, तो हमने हमारा जो बिल्डर वाला है उसको टाउन हॉल 9 पे अपग्रेड कर लिया है। हमने इसको रश करा था ताकि हम बॉबाट को अनलॉक कर सकें, जो कि हमारा हो चुका है। तो हम इसको बिल्ड कर लेते हैं हमारे बॉबाट को सबसे पहले, ठीक है। इससे हमारा बॉबाट बिल्ड हो चुका है। अब यदि इसकी रिक्वायरमेंट हम देखें, इसकी रिक्वायरमेंट है, देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि वर्किंग इन द होम विलेज विल टीच मास्टर बिल्डर, ठीक है। कंप्लीट बाय गियरिंग अप 3 बिल्डिंग्स, 3 बिल्डिंग्स को हमें गियर अप करना है, ठीक है। कंप्लीट बाय अपग्रेडिंग एनी बिल्डर बेस्ड ट्रूप टू लेवल 18, हमारा पैका है जो लेवल 15 पे जा रहा है, तो 3 लेवल उसकी बची है। नेक्स्ट है कंप्लीट द बिलो रिक्वायरमेंट्स टू अपग्रेड वंस ऑल 4 रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड, ठीक है। अपन ने यदि सारे रिक्वायरमेंट कर ली तो अपना मास्टर बिल्डर अपग्रेड हो जाएगा। और एक है कंप्लीट बाय अपग्रेडिंग बिल्डर बेस हीरोज टू टोटल लेवल ऑफ 45, इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आई थिंक विथ इन 2 मंथ, मैं बोलता हूँ कि 1.5 से 2 महीने में हम हमारा जो बॉब आर्ट है उसको हम बिल्ड कर लेंगे और हमारे पास 6th बिल्डर होगा। ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाउन हॉल के साथ ही कर ले, बट मेरे ख्याल से जो हीरोज वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, वरना हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। इस तो अभी एक काम करते हैं, हमारे 25K मिलियन गोल्ड, 2.5 गोल्ड है, तो हम हमारे स्टोरेज को अपग्रेड कर लेते हैं, फिर हमारा हम रून ऑफ एलेक्सर, जो कि इसका बिल्डर एलेक्सर है, उसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस
गाइस ठीक है, बेस में इतना ही अपग्रेड है और कुछ अपग्रेड नहीं है। अभी हमारा CWL चल रहा है, CWL काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं एक वीडियो शेयर करूँगा CWL की लास्ट में, जिसमें हम हमारे बेस्ट अटैक दिखाएंगे। मैं एक बहुत अच्छा अटैक दिखाऊंगा जो आपको अपर टाउन हॉल पे भी 3 स्टार करने में मदद करेगा। टाउन हॉल 12 है आपके पास, तो आप टाउन हॉल 13 को भी 3 स्टार कर सकते हो वो स्ट्रैटेजी से। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, मैंने पिछले CWL में भी शेयर करी थी, इस बार भी मैं शेयर करूँगा और इस बार डिटेल्ड वीडियो शेयर करूँगा उस पर। सो गाइज आप देखते रहिएगा। अभी हमारा CWL ठीक ठाक चल रहा है, हम भले ही 5th पोजीशन पे हैं बट काफ़ी क्लोज हमारा वो है। हम ट्राई करेंगे टॉप 3 में फिनिश करने का, बट ठीक है मिसमैच होता है तो अपन उसका कुछ नहीं कर सकते। सो ठीक है, इस आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।